हेलो फ्रेंड्स, ये जेकेडा के जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम की अनऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, मैंने नहीं बनाई है, एमटेक के कुछ स्टूडेंट्स हैं एनआईटी श्रीनगर के, उन्होंने बनाई है। ये मिस्टर अब्दुल रशीद, ठीक है, उनका हार्ड वर्क है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं की एक अनऑफिशियल आंसर की असिस्टेंट इंजीनियर की भी थी, मैंने उसे चेक किया है, रिव्यू किया है, काफ़ी रिलायबल है, हार्डली 2-3 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने अभी नहीं बनाई है, ना ही मैंने अभी जेई के एक्सप्लेनेटरी कोई वीडियोस बनाए हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अभी मैं सिर्फ सॉरी अभी मैं सिर्फ एई के बना पा रहा हूँ, अभी मैंने जेई के कोई नहीं बनाए हैं। तो आई विल प्रिपेयर देम, बट इट विल टेक टाइम। फॉर द टाइम बींग, तब तक के लिए आप इससे अपने आंसर्स चेक कर लो। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके चेक कर लो, ये सेट सी की है। मैं इसको डाउनलोड करने का जो फेसबुक का लिंक है, फेसबुक पर ही अपलोडेड है, फेसबुक के लिंक जो इस आंसर की के हैं, वो जो क्वेश्चन पेपर है सी सेट वाला, वो दोनों लिंक मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स में पोस्ट कर दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लो। आपका जो भी सेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें क्वेश्चन ढूंढ लो। कुछ बच्चे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सेट डिफरेंट है, ठीक है, तो सेट आपका कोई भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन थोड़े से रीअरेंज किए हैं, जो एक सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे सेट में कहीं 35th क्वेश्चन होगा। एक बार वो फर्स्ट क्वेश्चन को ढूंढ लो, उसके बाद सब कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। तो वो सेट सी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, अपने सेट में आपका क्वेश्चन वहाँ का क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देख लो। एक बार जो आपको रिलेशन पता चल गया कि अगर उस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 51st है, तो उसके बाद सब कुछ वैसे ही सीरियल वाइज में चलेगा, ठीक है। मैं इसके भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ बनाऊँगा जब मुझे पास टाइम होगा। अभी आप इससे चेक कर सकते हो, ये काफ़ी रिलायबल है। मैंने इनकी ए की काफ़ी अच्छे से रिव्यू किया था, हार्डली 5% का वेरिएशन आ सकता है, यानी कि जो भी आपके मार्क्स इससे एस्टिमेट लगेगा उसमें खाली ±2%, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बाकी कई सारे लोग कट ऑफ के लिए कमेंट कर रहे हैं, कट ऑफ पे मैं एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। अभी मैं कई बच्चों से मैंने इनपुट लिया है कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। अभी आप अपनी आंसर की इससे चेक कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।